ये जा रहे हैं, इनको रोकेंगे नहीं। 29,000 के लिए मुझे जलील करेंगे। मैडम देखिए मेरी बात सुने, आपने भी तो पे नहीं ना किया। मुझे पता नहीं था ये आपका ना 21 तक आपका टैक्स लगा हुआ है, लास्ट 3 ईयर से आपने टैक्स नहीं पेड किया। और इसमें सबसे बड़ा फायदा आपको ये होना है ऑन स्पॉट पे करने का कि विदाउट पेनल्टी हम आपको कर, थोड़ा सा प्लीज गाड़ी आगे कर लीजिएगा प्लीज मैडम, गाड़ी साइड पर कर लीजिए। 3 ईयर से पे नहीं हो सका। बट जो आप देखिए 29,000 है, 20,000 मैडम, 20,000 और मैडम कितनी देती करो जगह पे। क्या मैम को क्या कोई छूट दे रहे हैं कि कल तक जमा करा देंगे? 3 ईयर से शॉर्ट है, कर देंगे, इवन देन हम कर देंगे, मुझे तो बता दें मैडम। आप जमा करते हैं मैडम, ये आपका ना 21 तक आपका टैक्स लगा हुआ है, लास्ट 3 ईयर से आपने टैक्स नहीं पेड किया, ठीक है। 20,910 रुपीज़ आपका टैक्स बन रहा है, वो प्लीज़ आपको PSID जनरेट करके दे रहे हैं, वो पे कर दें। और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होना है ऑन द स्पॉट पे करने का कि विदाउट पेनल्टी हम आपको कर दें। आप थोड़ा सा प्लीज़ गाड़ी आगे कर लीजिएगा प्लीज़ मैडम, गाड़ी साइड पर कर दें। 3 साल के शॉर्ट हैं जी, 3 साल इनको रोकेंगे तो नहीं, शॉर्ट है इनके, जा रहे हैं इनको रोकेंगे नहीं तो ये इसी तरह, ये देखें नाज़िम 3 साल के शॉर्ट हैं। 29,000 के लिए मुझे जलील करेंगे। मैडम देखिए मेरी बात सुने, आपने भी तो पे नहीं ना किया। मुझे पता नहीं था, हम आपने बताया आई विल पे दैट। लेकिन मैम ये कह रहे हैं 3 ईयर से पे नहीं हो सका। बट जो आप देखिए 29,000 है, 20,000 मुझे तो ये भी नहीं पता कि पे हुआ। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये छोटी गाड़ी, इसका इतना टैक्स नहीं है, लेकिन 3 ईयर से शॉर्ट है। देंगे, इवन देन हम कर देंगे, मुझे तो बता दें मैडम। आप स्क्रीन शॉट लें, आप इनका तस्वीर ले लें। और मैडम कितनी देती करो जगह पेड? क्या मैम को क्या कोई छूट दे रहे हैं कि कल तक जमा करा दें? क्या जी, जी मैडम ने बताया कि ये आउट ऑफ कंट्री थी तो ये आ जाइए तो हमें इनको रिलीफ देना चाहिए। ये कोरोना से पहले की गई हुई थी और इंशाल्लाह ताला अब आ गई है तो आज ही ये शाम को टैक्स पे करने का प्रॉमिस कर रही है हमारे साथ। मैम ये हो जाएगा? ये वैसे 3 ईयर से पेंडिंग है, बिल्कुल हो जाएगा इंशाल्लाह। मैडम मुझे पिक दिखा दीजिएगा प्लीज़। चले ठीक है मैडम, आपको चांस दे रहे हैं आज के। मुझे नहीं लगता ये पे करेंगे। नहीं इंशाल्लाह पे कर देंगे। नहीं मुझे नहीं लगता, उनको उसकी इंपॉर्टेंस का नहीं पता। कोई बात नहीं, हमने नंबर नोट कर लिया, आज का दिन हम देखेंगे, कल हम सस्पेंड कर देंगे। जो गाड़ी है जो आप एक बार चेक करके उसको कुछ छूट दे देते हैं, ये क्या कोई ऐसे सिस्टम में मतलब ये किसी और नाके पर रुके तो पता लगेगा? बिल्कुल, लिस्ट हमारे पास भी लिस्ट तैयार होती है डिफॉल्टर गाड़ी की, हम इनको नोटिस भी करते हैं, 1-2 दिन का मार्जिन देकर हम देखते हैं, नई पेड सिस्टम में हम इसको सस्पेंड कर देते हैं, 35% इसको हम पेनल्टी लगा देते हैं, ठीक है। फिर अभी जहाँ पे भी रुकेंगे तो जहाँ पर भी जाएंगी ऑनलाइन भी इनका स्टेटस शो नहीं होगा, नो डाटा फाउंड आएगा। तो ये वो जिस भी नाके पे रुकेंगे तो उन्हें पता लग जाएगा कि ये पहले भी कहीं से चूक ले चुकी है। बिल्कुल ऐसे ही है। 16 मॉडल है सर, इसका मॉडल मेंशन करवाएं सबसे पहले तो। ये ओरिजिनल नंबर प्लेट है या नहीं है? नहीं ये ओरिजिनल नंबर प्लेट नहीं है। ओरिजिनल नंबर प्लेट तो आ भी नहीं रही, क्यों जी ऐसे ही है? नहीं आ रही। 16 में हमने दी है। अच्छा 16 में दी है, 16 में। अब क्यों नहीं दे रहे? 16 में दी है, अब कुछ टेक्निकल वजूहात की वजह से। प्लांट नहीं बताऊँ, मेरी 3 साल बाद आई है सर। अब आजकल हमने प्लांट को क्लोज कर दिया हुआ है, ठीक है। अब जो फ्री लांसिंग पर हम प्लेटों का इशू कर फ्री लांसिंग करती है, जो कंपनी इसके ऊपर वर्किंग करेगी उसी को वो अपने अपने आउटलेट ओपन कर देगी और आप उधर से साइज के बताए हुए पैमाइश और डिज़ाइन के मुताबिक प्लेट। अभी आप इनका चेक करें? अभी अपने इनका टोकन चेक किया है, LEA16A441। इधर गाड़ी मेहराना आ रही है, अलग है इनकी गोंडा सिटी है, नंबर आ रही है। चेक कराएं ये देखिए, आपका नाम क्या है? असद। ये नाम भी इनका नहीं आ रहा? नाम भी इनका नहीं आ रहा। नहीं नहीं ये तो मैं लेके आया हूँ ना गाड़ी, सईदुर रहमान। ये किसकी लेके आए? ये रेंट की है जी। मॉडल बताएं सर इसका? 16 मॉडल है, लेकिन 16 में तो रजिस्टर नहीं ना है। ये देखें मेहरान, 16 में तो मेहरान आ रही है, ये इस नंबर पे मेहरान रजिस्टर्ड आ रही है। चेक कर लेते हैं। ये सर कैसे, ये अक्सर होता है जी? सम टाइम होता है जिनको मॉडल का नहीं पता होता। 15/16 है, 15 का ये मॉडल है और 16 की ये प्लेट है। हेलो, ये तो 15 मॉडल है ना गाड़ी? अभी 15 है सर।
किन के नाम पे है? एक के नाम पे सर। अच्छा भी किसके नाम पर है? सर्वर के नाम। सर्वर के नाम पर ठीक, बिल्कुल इनका टोकन टैक्स पेड है। अच्छा सर, बहुत शुक्रिया। बताया नहीं, वो मॉडल की वजह से इशू हो गया था, मुझे कंफर्म नहीं था ना इस वजह। और ये रेंट की है आपकी? अपनी नहीं, अपनी है। अभी आप कह रहे थे भाई है मेरा, उन्होंने ली, अभी नहीं ली है। अच्छा आपने खरीदी? दिखाएं जरा प्लीज। जी ठीक है असद भाई, ओके थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। उन्होंने शायद वो मॉडल गलत बता रहे थे। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं भाई आप? खैरियत से हैं यार? इतने खूबसूरत आदमी है बता रहे हैं, 2 साल का टैक्स शॉर्ट है। हाँ हाँ, ये चेक करें जरा, बता रहे हैं। सर देखिए, आपको हमने पहले भी वार्न किया है, आपका सिस्टम में नंबर एंटर किया है तो शो हो गया। नहीं, आपको मैं बताता हूँ, तो मेरे स्टूडेंट ही लग रहे हैं। ये देखें अब्दुल्ला रफीक, 25,800, 3 सालों का टैक्स शॉर्ट है इसका। 3 सालों का टैक्स शॉर्ट है, मुझे कभी नहीं रोका आज तक, मुझे आप फर्स्ट टाइम रोक रहे हैं। मैं कॉपरेट करूंगा, मैंने तो बात नहीं किया। आप तो ऐसे स्टूडेंट ही लग रहे हैं। जी जी, मेरा लाइसेंस है। अब्बू की गाड़ी लेके आए? मेरे भाई की गाड़ी। चले भाई की गाड़ी, भाई की गाड़ी। अच्छा पे कर दीजिए, मैं फादर को घूमा वही पे करेंगे। हां जी, इसकी पिक लें, फादर को सेंड करें, उन्हें कहें जी ये PSID आपको बनाकर दे दी है, इसको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की पेमेंट में पे कर दें। अभी आप अब्बू को कॉल करेंगे? आप पापा को पापा कॉल करेंगे? अंकल गुस्से में ना आ जाएंगे, 25,000 का खर्चा बहुत है। लास्ट टाइम इन्होंने कोरोना में पे किया था, उसके बाद ये टैक्स नहीं पे। कैसे मुमकिन होता है 2-3 साल गाड़ी चलती रहती है? सर यहाँ तो ये गाड़ी निकालते ही उस वक्त है जब तक जब टीम मौजूद ना हो, या फिर ये आप बता देना किस टाइम मौजूद नहीं होते। साइड पे लगा लूं? आप साइड पे लगा लो। ये वैसे ये वो जैम भी करते होते हैं। पिक ले लें और इजी होकर अपने पापा से बात करें, हाथ ना कांपे आपके। इजी फर्स्ट टाइम है, इट्स फर्स्ट टाइम कि आपको कितने लोग हैं ना, इट्स द फर्स्ट टाइम। ठीक है, और आप कौन से क्लास के स्टूडेंट हैं? मैं BBA का स्टूडेंट। BBA का मतलब कि वो बिल्कुल यंगस्टर लग रहे हैं, ये हाथ कांप रहे हैं बस, वो कंफ्यूज हो गए हैं बेचारे। आप लोग स्टूडेंट हैं? नहीं नहीं, डरा नहीं रहे, बड़े पोलाइट तरीके से आ जाएं। आज साइड पे लगा लें, वो कह रहे हैं साइड पे लगा लें। आप अपने टैक्स पे करना तो किसने करना? हां जी, हमने ही टैक्स पे करना। तो देखिए, ये आप लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं ये चेंज लेके आएंगे, क्या ख्याल है? जीरा एडमिनिस्ट्रेशन की तलीम भी हासिल कर रहे हैं। हां, BBA कर रहे हैं, BBA कर रहे हैं। कल को इन्होंने GM लगना है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो बगैर टैक्स पे किए तो नहीं हम लगने दे। टैक्स की अवेयरनेस इनको होगी तो ये सारे आगे जाकर बिजनेस भी सही तरीके से चला सकते हैं। ये कह रहे हैं कि बगैर टैक्स क्लियर किए इनका BBA क्लियर नहीं होने देना। ये वो अपने वाली साहब से बात कर रहे हैं, और अंकल से बात करें। इनको नहीं क्या नाम नहीं आता, जिन्हें हमने पैसे उन्होंने मुझे अपना वो PSID दिया है, तो कह रहे हैं ऑनलाइन पे हो जाएगा। बिल्ला पे कह दो, बिल्ला पे पे कर देता है। हाँ हाँ, ये देखें, वो जाहिर बात है क्योंकि वाले साहब को पता तो होगा कि ये पे करने आपको, तो जब आपने गाड़ी पहले रोकी ना ड्राइवर के पास होगी आपको, तब भी उसको जानकारी देना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि ट्रैक्स दे के जाए। हाँ, तो अभी आप अपने भाई को करेंगे? आप वैसे कोई थोड़े से घबरा तो नहीं गए? मैं इसलिए पीछे बहुत गर्मी से आ रहा हूँ। हाँ, गर्मी बहुत ज्यादा, आपको पानी पिलाने का बंडा पड़ा है। मैं बकरों के लिए चारा लेके जा रहा हूँ। क्या लेके जा रहे? चारा लेके जा रहा हूँ बकरों के लिए। बकरे ले लिया आपने? मैं पूरा साफ पालता हूँ। अच्छा, ये कौन सा BBA का स्टूडेंट है? मैं शौक है, मैं 2 बकरे दो बकरे कुर्बानी के लिए। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कुर्बानी के। तो आप उनका चारा लेके जा रहे हैं? मैं उनका चारा लेके। और गर्मी में आप फुल पसीने में शराबूर हुए हैं? बस ऐसे ही, क्या करें। तो अभी अपने भाई से मंगवा रहे हैं।